जय श्री राम। सो गाइस, आखिरकार वो वक्त आ चुका है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। पूरे 500 सालों के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। तो इसी शुभ अवसर पे आज मैं एक बहुत ही स्पेशल सा पेंटिंग बनाने वाला हूँ, और ये पेंटिंग ना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पेंटिंग होने वाला है, तो आप लोग समझ ही जाओ। सो ये वीडियो आप सभी राम भक्तों को डेडिकेटेड है, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना। तो चलिए प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की पेंटिंग के लिए हम लोग एक रेफरेंस इमेज का यूज करेंगे, ये वाला, और इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको भी ड्रॉ करना है। और आज ना हम लोग कैनवस पे नहीं पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ये है ब्रशो का 200 GSM पेपर। तो सबसे पहले मैं इस पे ग्रिड बना रहा हूँ। तो चलो अब वक्त है स्केचिंग करने का। यहाँ पीछे की साइड में राम मंदिर ऐड किया हूँ, ये रेफरेंस में नहीं था, मैं दूसरा इमेज देख के ऐड किया ताकि अयोध्या का भी झलक आए इसमें। सो गाइस, स्केचिंग हो चुका है कंप्लीट। देखो इसका फाइनल लुक ऐसा लग रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। तो यहाँ पे मैं राम जी के फेस से कलरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और पता है, मैं आज तक पेपर पे एक्रेलिक पेंटिंग कभी नहीं बनाया। आप लोग देखियो जितनी बार मैं यूज़ किया हूँ कैनवस या फिर बोर्ड पे बनाया हूँ, तो पता नहीं कैसा बनने वाला है। और मैं यूट्यूब पे खोजा भी था कि कोई ब्रशों पे एक्रेलिक पेंटिंग किया है कि नहीं, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। तो मैं सोचा चलो खुद ही बनाकर देखते हैं, पता चल ही जाएगा। मुझे सिर्फ राम जी का फेस बनाने में ही अलग से 4 से 5 घंटा लगा है। एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बनाया हूँ, इसलिए तो मैं सारे जगह पे फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलता, बट ये कलर जल्दी से सूख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए। सो राम जी पे फर्स्ट टोन कंप्लीट हो चुका है। और देखो पेपर पे बनाने से ना ये दिक्कत आएगा आपको, ये पूरा वेवी हो चुका है। देखो मैं दाब रहा हूँ, यहाँ पे दब रहा है, कहीं पे उड़ गया है, कहीं पे दब गया है। सो दैट्स वाई अगर आप कैनवस पे बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सो अभी मैं राम जी के स्किन पे सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेयर में ना बैकग्राउंड टेक्सचर दिखता है, तो आप एक से ज़्यादा लेयर अप्लाई करोगे तो काफ़ी स्मूथ लगेगा देखने में। इसके बाद राम जी का ऑर्नामेंट्स बनाना था, इसमें मुझे बहुत मजा आया। इसमें ना मैं खुद का रैंडम डिजाइन ऐड किया हूँ, और हाँ ये भी काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था। एक एक डिजाइन आपको बनाना है, उसका हाईलाइट बनाना है, उसका शेडो देना है, तब जाके लगेगा कि हाँ गोल्ड का ज्वेलरी है। सो गाइस, अभी ना मैं 6-7 घंटे से लगातार काम कर रहा हूँ, पूरा बैंड बज चुका है और आंख तो पूरा मेरा जल रहा है। देखो यहाँ पे पीछे मेरा इतना बड़ा लाइट जला हुआ रहता है और एक लाइट इधर भी है, तो शायद से मैं इतनी देर से लाइट के सामने बैठा हूँ उसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा था कि आंख में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि हम लोग लेंसकार्ट के स्टोर में ना फ्री का आई टेस्ट करा सकते हैं, तो मैं चला गया लेंसकार्ट के स्टोर फ्री का चेकअप कराने। एंड वहाँ पे मुझे वैरायटी ऑफ ग्लासेस देखने को मिला, मुझे तो बहुत सारा पसंद आया। बट पहले जाकर मैं अपना आई टेस्ट कराया, वहाँ पे मुझे एक अजीब सा चश्मा पहनना पड़ा और उसे पहन के स्क्रीन में जो लिखा था उसे पढ़ना था, तो सारा कुछ मैं वैसे ही किया। एंड मुझे उम्मीद तो नहीं था, बट मेरा आंख बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन लोग को बताया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, घंटों लाइट के सामने रहता हूँ, आँख में प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने मुझे एक चश्मा सजेस्ट किया, सो मैं उसे ले लिया हूँ। तो अभी घर चलते हैं। यो गाइस, तो ये रहा मेरा नया ग्लासेस, तो चलो इसे पहनेंगे और इसे पहनकर ही हम लोग बाकी का पेंटिंग कम्प्लीट करेंगे। सो ये रहा चश्मा, इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि ये 90% डिजिटल रेस को ब्लॉक कर देता है। एंड इट कम्स विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। 500 से भी ऊपर अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है, ये आपके हेडेक को कम करता है, इट रिलीव्स आई स्ट्रेन, एंड ये स्क्रैच एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अभी लेंसकार्ट में गोल्ड रश सेल चल रहा है, जिसमें कि आपको ये चश्मा सिर्फ 500 रुपए में मिल जाएगा। और इसी ऑफर में आप लोग अनलॉक कर सकते हो बाय वन गेट वन प्लस फ्री गोल्ड मेंबरशिप। और अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हो तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिससे कि आप लेंसकार्ट से फ्री का कॉन्टेक्ट लेंसेस ले सकते हो। तो सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। Thank you.
सो गाइस देखो यहाँ तक तो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी का डिटेल्स है ना वो हमें एंडिंग में करना पड़ेगा। पहले हमें बैकग्राउंड बनाना है क्योंकि जो साइड का एरिया है ना वहाँ पे एक एज लाइट बनाना होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो बैकग्राउंड नहीं करेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। गाइस सो अभी पेंटिंग हो चुका है कंप्लीट, तो चलो इसका टेप को जल्दी से रिमूव करते हैं, फिर मैं आपको इसका एक लुक दिखाऊंगा एंड देन इस पे वार्निश भी अप्लाई करना है। सो गाइस अभी आप लोग पेंटिंग का एक झलक देख लो कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इस पे वार्निश स्प्रे लगाएंगे तो ये और भी ज्यादा चमकने लगेगा। तो देखो मैं वार्निश और पेंटिंग लेके छत पे आ गया हूँ। वार्निश को हमेशा ओपन एरिया में यूज करना होता है, तो इसे मैं सारी जगह पे इक्वली स्प्रे कर देता हूँ। सो देखो अभी हमारा पेंटिंग पूरा तरीके से गीला हो चुका है और अभी का वेदर के हिसाब से इसे लगभग आधा घंटा लगने वाला है सूखने में, तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। सो गाइस क्या आप लोग रेडी? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी के साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।